एक तरफ जहां मीरा भाईंदर की विधायक गीता भरत जैन के जन्मदिन के मौके पर मीरा भाईंदर में लगे सारे बैनर्स अवैध बताकर एमबीएमसी के तरफ से हटा दिए गए, वही दूसरी तरफ विधायक गीता भरत जैन के जन्मदिन पर शहर की बड़ी बड़ी हस्तियां एक साथ स्टेज पर बधाई देती हुई नजर आई। गौर करने वाली बात यह है दोस्तों कि भाजपा के कई पदाधिकारी भी गीता जैन के जन्मदिन पर शुभकामनाएं देने पहुंचे थे, जिसमें मीरा भाईंदर महानगर पालिका के पूर्व नगर सेवक नीला सौंस, सुमन कोठारी, हेमा बेलानी, अश्विन कासोदरिया, शरद दादा पाटिल, अजित पाटिल, सुशील अग्रवाल, जयेश बोईर, प्रतिभा पाटिल, विजय राय और भाजपा के मीरा भाईंदर जिलाध्यक्ष किशोर शर्मा भी मौजूद थे। ये चौंकाने वाला इसलिए था क्योंकि मीरा भाईंदर में गीता जैन और भाजपा के बीच कई दफा दूरियां नजर आ चुकी है, खासकर लोकसभा चुनाव में ये तस्वीरें बार बार सामने आई। वहीं दूसरी तरफ कुछ दिनों पहले गीता भरत जैन ने कैंसर हॉस्पिटल को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में गीता भरत जैन ने कहा था कि मीरा भाईंदर के भाजपा अधिकारी उन्हें किसी भी कार्यक्रम या मीटिंग्स में बुलाते नहीं है, बहाने देते हैं कि वो शिंदे गुट की है। इन सभी वाद विवादों के बाद भी विधायक गीता भरत जैन के जन्मदिन पर भाजपा के जिला अध्यक्ष किशोर शर्मा और भाजपा के पदाधिकारी दिखाई देते हैं। तब ये सवाल पैदा होता है दोस्तों कि क्या विधायक गीता भरत जैन और भाजपा के बीच में जो वाद विवाद थे या जो गलत फहमियां या जिसे हम कह सकते हैं जो दरार थी वो खत्म हो चुकी है, जहां एक तरफ विधायक गीता भरत जैन ये कहती है कि भाजपा के लोग उन्हें अपना नहीं मानते, वही दूसरी तरफ भाजपा के कई पदाधिकारी उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं देने पहुंचते हैं। तब उनके इस बयान पर कई तरह के सवाल उठते हैं। इस पूरे मामले के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट करके जरूर बताइए।